हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सॉल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ग्रिड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2023 का आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और फॉर्म भरने में भी कोई असुविधा ना हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी दी गई है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। दोस्तों, इसमें कुल मिला के 203 वैकेंसीज दी गई हैं, यानी कि 203 पोस्ट दी गई है और अलग अलग रीजन वाइज जो है पोस्ट को डिवाइड किया गया है, आप दोस्तों नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और दोस्तों, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में दोस्तों दिया है कि आपके पास ITI होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपर एज जो दी गई है वो 27 साल दी गई है। अब दोस्तों पेमेंट फी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है वो ₹200 का नॉन रिफंडेबल लगने वाला है, यानी कि दोस्तों जनरल OBC और EWS के लिए ₹200 का शुल्क लग रहा है और SC ST PWD के लिए भी लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इसका आवेदन कहाँ से कर सकते हैं। आप दोस्तों इसका आवेदन पावर ग्रिड की आपसे वेबसाइट से कर सकते हैं। आप दोस्तों गूगल पे सर्च कर सकते हैं पावर ग्रिड, यानी कि PGCL आप गूगल पे सर्च कर लें। दोस्तों पावर ग्रिड सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे पावर ग्रिड की आपसे वेबसाइट मिल जाती है, उसके नीचे आपको मिल जाता है ओपनिंग, यानी कि अगर आप ओपनिंग पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे चले जाते हैं, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा रिक्रूटमेंट चल रहा है। आप नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है रिक्रूटमेंट आप जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है और डेट दिया है कब से शुरू है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और इन डेट दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट है, आप इस पे क्लिक करके पूरी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें फिर उसके बाद ही दोस्तों अप्लाई करें। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर लॉगिन एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले, तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भर के कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन OTP करना होगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरनी होती है, फिर ईमेल आईडी को रजिस्टर करना होता है, फिर दोस्तों आपको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भरनी होती है, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर भरना होता है, फिर एक आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना होता है, फिर दोस्तों आपको कैप्चा कोड भरना होता है, फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर दोस्तों आपको लॉग इन पेज पे आना होगा। लॉग इन पेज पे आते हैं तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होता है, फिर कैप्चा कोड डालना होता है, फिर आप लॉग इन करके OTP भेजते हैं। तो दोस्तों इतना कर लेते हैं पहले। दोस्तों OTP भेज दी गई है, आपको OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होता है। दोस्तों अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, मेलिंग एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स भरनी होती है। तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स भर लें। दोस्तों यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल्स भर लें, वो भी दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भर लें। यहाँ पे कैंडिडेट नेम दिया है, फादर्स, यहाँ पे फादर या गार्जियन का नेम भरना होता है, मदर्स नेम दिया है, जेंडर दिया है, फिर यहाँ पे कंट्री दिया है, स्टेट दिया है, मैरिटल स्टेटस दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स भर के आप सबमिट कर लें। दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स है, इस पर आप अपडेट कर लें। इसके बाद आप फिल मेलिंग डिटेल्स पे क्लिक करके आप मेलिंग डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मेलिंग डिटेल्स है, आप मेलिंग डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लें। पहले दोस्तों यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे एड्रेस दिया है, फिर यहाँ पे दिया नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आप उसका यहाँ पे नाम भर लें, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसको भर लें, स्टेट कौन सा है उसको सिलेक्ट कर लें, सिटी यहाँ पे लिखनी होगी आपको, कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों इसके बाद दिया है कि परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोनों सेम कर सकते हैं, अगर आपका अलग अलग है तो दोस्तों अलग अलग भर के आप आगे बढ़ें। दोस्तों आप एक बार डिटेल्स पे अपडेट कर लें, फिर दोस्तों आपको फिल अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करके अकाउंट डिटेल्स को फिल कर लेनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भरनी होती है, अकाउंट होल्डर का नाम भर लें, ब्रांच का नाम भर लें, अकाउंट नंबर भर लें, बैंक का नाम भर लें, बैंक ब्रांच सिटी भर लें, फिर यहाँ पे IFSC कोड है। तो दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स सही से भर लें, फिर दोस्तों इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आप गो टू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप
सीधे प्रोफाइल पे चले जाते हैं, यानी कि आप सीधे होम पेज पे चले जाएंगे। अब दोस्तों कौन सी अपॉर्चुनिटी चल रही है, आप किस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों पोस्ट दिया है इलेक्ट्रिशियन, यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा, यानी कि दोस्तों आपने कौन सा फॉर्म भर चुके हैं आप अभी तक, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज पे क्लिक करना होगा। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नया एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देता है, यानी कि जो आपको भरना होता है। दोस्तों आप नेविगेट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यानी कि दोस्तों यहाँ पे रीजन वाइज दिया है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का रीजन वाइज दिया है। आप दोस्तों रीजन वाइज देख लें कि आपको किस रीजन में अप्लाई करना है। यहाँ पे नॉर्थन रीजन फर्स्ट है, नॉर्थन रीजन सेकंड है, नॉर्थन रीजन थर्ड है, ईआर ईस्टर्न रीजन है, ऐसे यहाँ पे रीजन दिए गए हैं। आप पोस्ट देख लें आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे रीजन को दोस्तों देखना होगा। फिर दोस्तों आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों हम वेस्टर्न रीजन सेकंड में अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी गई है आप देख लें। फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके अपना अप्लाई कर लें। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, आप एक बार जरूर देख लें फिर आप कट कर दें। दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स देख लें, जो आपको भरनी है वही डिटेल्स भरें। दोस्तों नीचे आपको कैटेगरी चूज करनी होती है, आपकी जो भी कैटेगरी है उसको चूज कर लें। फिर यहाँ पे एक सर्विसमैन डिटेल्स है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल स्किल्ड, यानी कि अगर आप अप्लीकेबल हैं तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर यहाँ पे आगे दिया है कि इंटरनल पावर ग्रिड एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप दोस्तों हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दिया है कि पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूपी डिटेल्स है तो दोस्तों यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर दोस्तों डिटेल्स भरने के बाद आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपका एप्लीकेशन सेव्ड हो जाता है। अब दोस्तों आगे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होती है। फिर दोस्तों आप क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लें। फिर इसके बाद आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स भरनी होती है, अदर एसेंशियल डिटेल्स है और डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है। दोस्तों इस पे क्लिक कर लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शुड पास्ट आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके क्वालिफिकेशन ऐड करनी होती है। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लें क्वालिफिकेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे दोस्तों आप सर्टिफिकेट कोर्स पे क्लिक कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप दिया है 2 ईयर आईटीआई, आप इसको सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे दोस्तों दिया है डिसिप्लिन टाइप, आपको इलेक्ट्रिशियन चूज करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कोर्स टाइप दिया है फुल टाइम, आप चूज कर लें। फिर यहाँ पे दोस्तों दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि दोस्तों आपको कितना परसेंटेज है आप उसको यहाँ पे चूज कर। दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज भरने के बाद आपको यहाँ पे डिवीजन भरना होता है, आप फर्स्ट है कि सेकेंड है कि क्या है, आप उसको यहाँ पे दोस्तों भर लें। फिर यहाँ पे आपको कोर्स फॉर्म दिया है, डेट आपका कब से कब तक था, आपके सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, कोर्स कब से चालू था कब तक खत्म हुआ यहाँ पे मिल जाता है कोर्स टू तक। फिर यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आप भर सकते हैं, रिजल्ट कब आपका आया था, यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे नाम भर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम भर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड कर लें। दोस्तों क्वालिफिकेशन भरने के बाद दोस्तों आप एक्सपीरियंस डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर डिटेल्स आपके पास एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आप एक्सपीरियंस डिटेल्स भर सकते हैं। फिर अगर नहीं है तो दोस्तों आप छोड़ दें, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अदर एसेंशियल डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसको भर लें। दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है एग्जाम सेंटर डिटेल्स, आपको इसमें भरनी होती है। प्रेफरेंस दिया है, दो आपको एग्जाम सेंटर चूज करने होते हैं, आप यहाँ पे चूज कर लें, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट आप चूज कर लें। यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर लें। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ऐड करना होता है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर एक ही चूज करना होता है। आप इसको अब इसके बाद आपको रिटेन लैंग्वेज प्रेफरेंस डिटेल्स देनी होती है। आपको यहाँ पे रिटेन आपको किस लैंग्वेज में परीक्षा देनी है, आप उसका भाषा यहाँ पे चूज कर लें। फिर इसके बाद ऐड कर लें इसको। दोस्तों आगे दिया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो दोस्तों यहाँ पे यस करें, यस करें तो आपको डिटेल्स भरनी होती है। अगर आप नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे नो कर दें। अब दोस्तों आगे अदर कैंडिडेट डिटेल्स है, आप इसको देख लें, अपने हिसाब से इसको सबमिट डिटेल्स कर लें। अब दोस्तों आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, आप दोस्तों इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। यहाँ पे दोस्तों फोटो अपलोड करनी होती है, फोटो की साइज दी गई है 50 KB मैक्सिमम। फिर सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। फिर दोस्तों यहाँ पे इसकी साइज भी दी गई है। फिर दोस्तों आप DOB सर्टिफिकेट या कक्षा 10 की मार्कशीट को आप अपलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट दिया है, DNMB का कम से कम होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आप ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ITI का जो मार्कशीट होता है उसको आप अपलोड कर सकते हैं।
फिर अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर, इसको भी आप अपलोड कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पर सब डिटेल्स अपलोड कर लें। अब दोस्तों डिटेल्स देख लें, यानी कि जो आपने अपलोड किए हैं आप उसको देख लें, फिर आप दोस्तों गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपका फाइनली हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, फिर दोस्तों आप रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके एक बार पूरी डिटेल्स देख लें, फिर आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर। अब दोस्तों आप देख के उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन है, आप इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी इफ एप्लीकेबल बाय पावरग्रिड। यानी कि दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल हो चुका है, यानी सबमिट हो चुका है। अगर आपको फीस देना है तो दोस्तों यहाँ पे दिया है क्लिक टू एप्लीकेशन डिटेल्स पेज फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। यानी कि दोस्तों अगर आप पेमेंट के लिए अप्लीकेबल होते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक है टू एप्लीकेशन डिटेल्स पेमेंट फॉर, यानी कि पेज फॉर पेमेंट आप एप्लीकेशन फी, तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक करके पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए इस पे क्लिक कर लें। दोस्तों पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फी ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको दोस्तों इस पे कर लेना होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास जो भी ऑप्शन ऑप्शन उपलब्ध है आप उसके माध्यम से पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप वापस आके यहाँ पे दोस्तों क्लिक है पर डाउनलोड योर एप्लीकेशन दिया है, तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड हो चुका है। आप भी दोस्तों इसको डाउनलोड करके अपने पास इसको रख लें। दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यानी कि अगर आपने हमारे वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो